बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ HBL बैंक की जॉब्स के बारे में। HBL बैंक की जानब से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के अनाउंसमेंट कर दी गई है। 11 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा आपने उन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कितने तजर्बे की आपको ज़रूरत होगी। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है फौरी नौकरी। लिखने के बाद आपने रिसर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी foreignnaukri.com। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर होम पेज के ऊपर यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑल बैंक्स जॉब्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जितनी भी इस वेबसाइट के ऊपर बैंक्स की जॉब्स पड़ी हुई हैं वो सारी के सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक से जॉब आपको यहां पे मिल जाएंगी। जिस बैंक में जॉब आप अप्लाई करना चाहते हैं यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले नंबर पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है HBL बैंक्स जॉब्स 2021 अप्लाई ऑनलाइन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मुकम्मल तफसीलात इन जॉब्स की आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। कंपनी नेम की बात करें तो हबीब बैंक लिमिटेड HBL बैंक की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एजुकेशन बैचलर या मास्टर होना जरूरी है इस जॉब के लिए। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर आपको तैनात किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई है। ठीक है, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ जो है अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, जिसकी डिटेल नीचे जाकर मैं आपको बता दूंगा। जॉब टाइप की बात करें तो फुल टाइम जॉब है, 35+ जॉब इस वक्त अवेलेबल है। सैलरी आपको पोस्ट के मुताबिक दी जाएगी। ठीक है, जितनी बड़ी आपकी पोस्ट होगी उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों 11 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं। इसका स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नंबर 1 पे HR रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब अवेलेबल है। मास्टर तलीम होना जरूरी है इस जॉब के लिए। दूसरे नंबर पे एनालिस्ट की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर पास होना जरूरी है इस जॉब के लिए भी। थर्ड नंबर पे सीनियर मैनेजर ब्रांच ब्रांडिंग की जॉब अवेलेबल है। मास्टर पास होना जरूरी है इस जॉब के लिए भी। इसके बाद नंबर 4 पे बिजनेस प्लानिंग मैनेजर की जॉब अवेलेबल है। मैनेजर रिपोर्टर की जॉब अवेलेबल है। इसके बाद यूनिट हेड डेस्कटॉप की जॉब अवेलेबल है। इन तमाम जॉब्स के लिए जो है बैचलर पास होना जरूरी है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैनेजर सर्विस प्लानिंग की जॉब के लिए मास्टर पास होना जरूरी है। कैशियर की जॉब के लिए बैचलर पास होना जरूरी है। कैश ऑफिसर की जॉब के लिए बैचलर पास होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आते हैं, जितनी भी यहाँ पे 11 मुख्तलिफ कैटेगरी की 3-4 जॉब अवेलेबल है इनके लिए बैचलर पास होना जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी एक्टिव जॉब हैं जिनकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपल आपने यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जॉब्स की। ठीक है, इसके बाद इस तरह के एरर आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है, अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपने आपको रजिस्टर किया हुआ है तो। ठीक है, अदरवाइज पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपके सामने फार्म आएगा, सिंपल आपने फार्म को पूरा करके जमा करवाना होगा। ठीक है ना, बाकी भी नीचे जितनी भी जॉब्स दी हुई हैं सिंपल वही तरीकाकार है अप्लाई करने का। सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने आएगी और इसके बाद जो है आपके सामने ये एरर आना शुरू हो जाएगा। एरर बेसिकली ये नहीं है, यहाँ पे आपने अपने आपको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर न्यू यूज़र का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये इसका जल आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, री एंटर पासवर्ड लिखें, ईमेल अपनी लिखें। ठीक है, ये तमाम तरह लिखने के बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो रजिस्टर होने के बाद इजीली आपके सामने फार्म आ जाएगा, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए बिल्कुल फ्री में, वो भी घर बैठे। ठीक है, आप अपने मोबाइल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।